स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 9 कंपटीशन चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेवल 2। लेकिन उससे पहले कुछ डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सभी बच्चे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। टीचर के बीच में बच्चे के बीच में कंपटीशन। चलो गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन 21 की पावर 2 माइनस 15 की पावर 2 कंप्लीट की पावर 2/3। वेरी गुड, सभी सॉल्व करें। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड। 441 माइनस 225 हाउ मच यू आर गेटिंग। 441 माइनस 225 हाउ मच। दोनों नंबर को माइनस करने पे हाउ मच यू आर गेटिंग। 441 माइनस 225 वेरी गुड, यू आर गेटिंग 216। कोई मुझे बताएगा 216 किसका क्यूब है? 216 किसका क्यूब है? टेल इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड वेरी गुड। कोई मुझे ये बताएगा, मैंने क्यूब रूट क्यों पूछा, मैंने क्यूब क्यों पूछा? कोई बच्चा मुझे ये बताएगा, सर ने क्यूब क्यों पूछा? व्हाई आई आस्क क्यूब? Why? लिखो लिखो चैट बॉक्स में लिखो। बिकॉज द पावर इज 1/3। क्वेश्चन में गिवन है क्यूब रूट, ध्यान दो। हमको पावर गिवन है नीचे 3, इसका मतलब हमें चेक करना है ये नंबर किसका क्यूब है। ये क्यूब है 6 का, ये 3 गया हट, अब बच गया 2। 6 का स्क्वायर 36। सभी मैच कर लो। क्या सभी का मैच हो रहा है? किसी बच्चे का डाउट? किसी बच्चे का डाउट? फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हां जी स्टूडेंट्स, जिसका डाउट नहीं है आगे बढ़ जाए। वेरी गुड वेरी गुड। जिसका डाउट नहीं है वो आगे बढ़ जाए। डोंट वेट फॉर मी, मेरे लिए वेट मत करो, ठीक है? जिसको समझ में नहीं आया बोर्ड पर देखो। स्क्वेयर करने पे 441, स्क्वेयर करने पे 225, माइनस करने पे 216। बेटा उसकी पावर गिवन है आपको 2/3। बेटा देखो ध्यान दो, नीचे पावर है 3, इसका मतलब हमें निकालना है कि ये नंबर किसका क्यूब है। ये क्यूब है 6 का, तो मैं लिख सकता हूं 6 का क्यूब। पावर कितनी है? 2/3। 3 से 3 क्या हो गया? कट। 6 का स्क्वायर 36। क्लियर? फोकस। सेकंड क्वेश्चन, 81 की पावर 1/4, 9 की पावर 3/2, 27 की पावर -4/3। वेरी गुड। अपन अपना करेंगे, टीचर से पहले करना है। वेरी गुड, टीचर से पहले। हां जी, किसी का आंसर आया? वेरी गुड, यस स्टूडेंट्स, आई होप सभी का आंसर आएगा 1। क्या सभी का आंसर बना रहे हैं? टीचर हैज डन ईच एंड एवरी स्टेप, चेक करो आंसर विल बी 1। क्या सभी का आ रहा है? हमारी ये एक्स्ट्रा क्लास है प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस करो। टीचर बोर्ड पे कर रहे हैं, आप कॉपी पे करो। वेरी गुड बेटा, सभी करेंगे सभी। डोंट वेट फॉर एनीवन, मेरी फ्रेंड कर रही है वो मुझे भेज देगी, कोई नहीं भेजेगा, खुद करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्राई करो, इजी है बहुत। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, एक्स इक्वल्स टू 8 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 32 की पावर -2/5। वेरी इजी क्वेश्चन, हम कर चुके हैं बहुत बार, पता नहीं कितनी बार कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड। डू प्रैक्टिस। वेरी गुड। सभी चेक करेंगे, क्या सभी का इसका आंसर भी बना रहे हैं? हमारी एक्स की है वैल्यू आगे 1। हमसे पूछा गया है एक्स की पावर
माइनस फाइव, हमें पता है वन की पावर कुछ भी हो आंसर क्या आएगा वन। क्लियर सभी को? क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्लियर? किसी भी बच्चे को कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में? मैं मेरी इंक फिल कर रहा हूं, सभी बच्चे ट्राई करो। वेरी गुड बेटा, माइनस वन नहीं आएगा, ध्यान दे, वन की पावर कुछ भी हो आंसर आएगा वन। बेटा स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है गुड़िया? अंदर जाके बाहर आ जाओ दोबारा क्लास के, एक बार बाहर चले जाओ फिर अंदर आ जाओ, ठीक है? वरना वीडियो तैयार हो रही है, कोई बात नहीं, आपको वीडियो मिलेगी पक्का 100%, ठीक है? डोंट टेक टेंशन, टेंशन नहीं लेने का, आराम से पढ़ो। वेरी गुड वेरी गुड। चलो सभी देखो बोर्ड पे, एक बच्चे का डाउट आ रहा है सेकंड क्वेश्चन, बाकी सभी ट्राई करो फोर्थ और फिफ्थ। मैं डिटेल कर रहा हूं सेकंड। देख गुड़िया, 81 को लिखा बेटा 3 की पावर 4, 9 को लिखा 3 की पावर 2, 27 को लिखा 3 की पावर 3। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप कटिंग कटिंग कटिंग, जो बच गया वो लिख दिया। अब ध्यान दे बेस क्या है सेम, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, और क्या होगी प्लस, 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0, 3 की पावर 0 1। अलीशा बेटा एम एन प्लस, क्लियर अलीशा गुड़िया? वाई फोर यस, ओके बेटा वेरी गुड। सभी बच्चे ट्राई करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, मुझे बताओ एन की वैल्यू कितनी आ रही है? सभी ट्राई करेंगे फोर्थ क्वेश्चन और मुझे बताओ एन की वैल्यू कितनी आई पहले? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो मैं 1296 को लिख सकता हूं क्या 6 की पावर 4? कोई बोलेगा सर कैसे आ गया, कुछ नहीं करना, पीएफ करो सभी, चलो स्टार्ट 1296, सभी पीएफ करो। पीएफ के अंदर ध्यान देना, 2 भी कितनी बार आएगा 4 बार, 3 भी कितनी बार आएगा 4 बार, 3 2 जा 6, 6 की पावर 4। बताओ सभी, क्या सभी को ये चीज क्लियर है? 1296 को हमने कैसे लिख दिया 6 की पावर 4? क्या सभी को क्लियर है? हमारा आंसर आएगा पीएफ से, पीएफ करेंगे, पीएफ के अंदर 2 आएगा 4 बार, 3 आएगा 4 बार, 2 3 जा 6, 6 की पावर 4। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, लेकिन हमें एन निकालना, हमें क्या निकालना है 6 की पावर n माइनस 3, 6 की पावर n माइनस 3, हमारा n आ चुका है 4, 4 में से 3 गया 1, 6 की पावर 1 6। बोलो सभी, क्या सभी को क्लियर फोर्थ क्वेश्चन? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4, कोई बात नहीं, कैसे भी किया हो डोंट वरी, आपका आंसर आना चाहिए। मेथड कोई भी हो सकता है, अप्रोच कोई भी हो, लेकिन आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, नाउ ट्राई द फिफ्थ क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बोलो आंसर। टीचर बोर्ड साफ कर रहा है, उससे पहले कर दो फटाफट, चलो। वेरी गुड वेरी गुड। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान है। 5 की पावर n प्लस 2 इक्वल्स टू 625। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े तो इसकी पीएफ करोगे तो 5 कितनी बार मिलेगा 4 बार, n प्लस 2 इक्वल्स टू 4, n की वैल्यू 4 में से 2 गया 2, n की वैल्यू आ गई 2, पूछा गया है इसकी वैल्यू बताओ, ध्यान दो, 12 2 जा 24, 24 प्लस 3 27, 27 का क्यूब रूट, आंसर कितना आ जाएगा 3। बोलो सभी चैट बॉक्स में, क्लियर सभी को? हां जी बेटा, क्या सभी को क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर? ओके बेटा वेरी गुड। अब हम कर रहे हैं हमारे आरडी शर्मा के क्वेश्चंस, सुबह हमारे हो गए थे क्वेश्चन नंबर 32 तक, नाउ वी आर डूइंग 33। ये क्वेश्चन खुद कर सकते हो,
मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, करना आपको है, टीचर भी करेगा आप भी करोगे, देखते हैं पहले कौन करता है। लेकिन प्रॉपर सेफ के साथ नो सेफ बंक, ये हमें गिवन है। यहां से एक्स निकालेंगे, एक्स को यहां पुट करेंगे। स्टार्ट, कोई मुझे बताएगा कंसेप्ट क्या यूज करोगे? कंसेप्ट हम बेस को क्या बना सकते हैं बताओ, हम बेस को क्या क्या बना सकते हैं? जरूरी है टू बनाना है, कुछ और बना सकते हैं? जरूरी है टू बनाना है, हम कुछ और बना सकते हैं? यस यू आर राइट, हम बेस को फोर भी बना सकते हैं। हमारे दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए बहुत सारे, हम टू भी बनाए, हम चार बना लेते हैं, टू हमने बना लिया बहुत बार। ध्यान दो, मैं 16 को लिख सकता हूं फोर की पावर टू, पावर है 2x प्लस 3। 64 को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 3, पावर है x प्लस 3। क्लियर है? बेस सेम, बीच में इक्वल, करो सॉल्व अपना अपना, डोंट लुक ऑन द बोर्ड, नो चीटिंग। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना हादसा होगा, कैलकुलेशन विल बी स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड, कोई स्टेप बंक नहीं करना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या सभी का x 3 आ रहा है? दोज वर ट्राइंग, जो करने की कोशिश कर रहे हैं उनका जरूर आएगा। x की वैल्यू 3 आ रही है, अब कुछ नहीं करना, उठा के पुट कर दो, पेन मत उठाओ, हवा में करो, बोलो क्या आंसर आएगा। पावर में 2x माइनस 2, 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया 4, 4 की पावर 4, बोलो 4 की पावर 4। वेरी गुड अंजलि बेटा, वेरी गुड हनी, वेरी गुड चारवी, 4 की पावर 4 आएगा 2 5 6। वेरी गुड अलीशा, वेरी गुड शुभम, कोमल बेटा, वेरी गुड। हमने क्या किया, x की वैल्यू 3 को यहां पुट कर दिया, 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया 4, 4 की पावर 4 2 5 6। वेरी गुड, नाउ फोकस, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखने में डरावना है लेकिन बहुत इजी है, 2 की पावर माइनस एन मल्टीप्लाई 1 बाई 2 की पावर एन इक्वल्स टू 1 बाय 4। ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ एन की वैल्यू क्या आएगी। चलो सभी बच्चे ट्राई करेंगे, चलो स्टार्ट। ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। सभी अपने रफ कॉपी में करें अच्छे से, और क्लास खत्म होने के बाद अपने रफ कॉपी की फोटो सेंड कर दें, दैट दिस इज आल्सो योर होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है। बिल्कुल आसान है, जो आपको आता है वही बेसिक स्टेप लगा दो, जो आपको स्टेप्स आते हैं आपको वही स्टेप्स लगाने हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी कर सकते हैं बेटा, ऑल कैन डू। छोटी मोटी गलती होगी कोई बात नहीं, बोर्ड से गलती को पकड़ लो, उस गलती को ठीक कर लो, और नेक्स्ट टाइम गलती को रिपीट मत करना। सभी जानते हैं हमने क्या किया, पावर नीचे किसकी थी, माइनस सॉरी प्लस, ऊपर जाके माइनस, 4 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 2। क्लियर है? बेस से बीच में मल्टीप्लाई, और क्या होगी प्लस, माइनस का एन दो बार तो क्या आ गया, माइनस का 2n। क्लियर है? नीचे वाली पावर ऊपर गई, और का साइन चेंज। क्लियर है? बेस से बीच में इक्वल, पावर शुड बी इक्वल, पावर को इक्वल कर दिया, सॉल्व कर दिया, एन की वैल्यू 1। क्या सभी को क्लियर? यस स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को क्लियर एन की वैल्यू? बेटा एक बच्चे का डाउट आया, 1296 कुछ लिखा हुआ आया था बेटा, वो चला गया, मुझे व्हाट्सएप पे डाउट भेज देना, कोई बात नहीं बेटा, मैं चेक करता हूँ होमवर्क, मैं होमवर्क चेक करता हूँ रात को 10 बजे के बाद। बेटा दिन में मैं बिजी होता हूँ, कभी क्लासेज है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। आपको अभी एक मिलने वाला है सरप्राइज। सरप्राइज क्या है? आपका संडे को, जो अभी परसों संडे आ रहा है,
उसको आपका टेस्ट है 100 मार्क्स का, जिसके अंदर आपको मिलेंगे पांच सब्जेक्ट मतलब मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, एसएस, साइंस, ईच कैरी 20 मार्क्स, 25 इज 100। पेपर होगा संडे को इवनिंग में, आपको सरप्राइज मिल जाएगा, आपको चिंता ना करो। आपके लिए एक प्लान किया है, ठीक है, सरप्राइज, ठीक है, पता है आपको किसने बता दिया, किसने बताया पता है आपको? चलो कोई बात नहीं, किसी ने बता दिया होगा, कोई बात नहीं। संडे को बेटा 100 मार्क्स का एग्जाम है, ईच सब्जेक्ट 20 मार्क्स, मल्टीपल से चॉइस क्वेश्चन आएंगे, पांच लिंक आएंगे, आपको लिंक के थ्रू पेपर देना है, जैसे आपने एनटीएससी दिया था। ना फोकस, ये वाला क्वेश्चन बेटा बचा हुआ है अभी, ध्यान दो, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, 1/14 ब्रैकेट 4 की पावर n, उसकी पावर 1/2 प्लस 1/5 की पावर n, उसकी पावर -1 और ब्रैकेट क्लोज। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है, बिल्कुल आसान है, ध्यान दो, हमारे n की वैल्यू आई 1, उसको उठा के यहां पुट कर दो, ध्यान दो, 4 की पावर 1 कितना होगा 4, 5 की पावर 1 कितना होगा 5, सॉल्व करेंगे, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो यहां से आ गया 2, 1/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5, 5 और 2 7, तो क्या आएगा 1/14 मल्टीप्लाई 7, आंसर इज 1/2। बताओ सभी, क्या सभी को क्लियर है? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस देखने में डरावना है, देखने में बड़ा बड़ा है, लेकिन बिल्कुल आसान है, तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन इज वेरी इजी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखने में डरावना है लेकिन बहुत इजी है, हम उसको इजी बना देंगे। देखो हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, हमें प्लस माइनस आता है, हमें लॉज आते हैं, बस देखो बोर्ड पे भी करते हैं, यही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बड़ा बचा हुआ है, बाकी क्वेश्चन सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ध्यान दो बोर्ड पे। हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 की पावर n + n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n - n, ये हमें गिवन है 16, साथ में हमें गिवन है 3 की पावर p डिवाइडेड बाय 3 की पावर n = 81, ये हमें गिवन है, क्लियर है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दो कैसे करें, बेस क्या है सेम, बीच में क्या है डिवाइड, पावर क्या होगी माइनस, नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाओ, साइन चेंज, 2 की पावर m + n, ये वाली चीज एज इट इज, ये वाली पावर ऊपर गई, पावर का साइन चेंज, क्लियर है, n प्लस क्या बन गया माइनस, m माइनस क्या बन गया प्लस, क्लियर है, 16 को लिख दिया 2 की पावर 4, क्लियर है, n से n कट, m प्लस m 2 की पावर 2m = 2 की पावर 4, क्लियर है, दैट मींस 2m = 4, इट मींस m = 2, क्या सभी को यहां तक क्लियर है? हमने थोड़ा सा सोल्व किया, थोड़ा सा सोल्व करके m की वैल्यू निकाल ली। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो हमने वहां लिखा हुआ है, बेस क्या है सेम, बीच में क्या है डिवाइड, पावर को ले जाओ ऊपर, 3 की पावर p - n = 81, को क्या लिखेंगे 3 की पावर 4, फ्रॉम हियर p - n = 4, इसको रख लो संभाल के, ये काम आएगा, ये हमने निकाल दिया, ये हमने निकाल दिया। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान दो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या पूछता है, हमारा क्वेश्चन है a की पावर 2m + n - p,
डिवाइडेड बाय ए की पावर एन माइनस टू एन प्लस टू पी, उसकी पावर क्या है माइनस वन। ये हमारा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, पावर माइनस वन इस नंबर को ऊपर ले जाओ, पावर का साइन चेंज, ध्यान दो, ये वाली चीज एज इट इज डोंट टच, ध्यान दो, ये वाली चीज ऊपर गई, पावर का साइन चेंज, ए की पावर एन माइनस टू एन प्लस टू पी। क्या सभी को ये सब क्लियर है, इससे हमने ये लिख दिया क्लियर। नीचे वाली पावर ऊपर गई, पावर का साइन चेंज, पावर थी माइनस वन वो बन गई प्लस वन, क्लियर सभी को। हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी को क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन आसान है, ध्यान दो, बेस क्या है सेम, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, पावर कर दो प्लस, दो एम और एक एम कितना हो गया थ्री एम, क्लियर कॉन्टेक्ट, दो में से एक गया एक, बड़ा कौन है माइनस का, क्लियर, दो में से एक गया एक, बड़ा कौन है प्लस का। आई बात समझ में सभी को, गॉट इट, ध्यान दो, एम्प्टी वैल्यू कितनी है टू, पुट करते हैं थ्री टू जा सिक्स, क्लियर। नेक्स्ट पी माइनस एन कितना है फोर, पुट कर दो फोर, ए की पावर टेन, ये हमारा क्वेश्चन का हाफ आंसर आया है अभी, ये हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी रहता है, ध्यान दो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो, हमें एक चीज और गिवन है, a इक्वल्स टू टू की पावर वन बाय टेन। मुझे सभी बताएंगे जब ये पावर इस साइड ट्रांसफर होगी तो क्या बनेगी, बताओ, जब हम इस पावर को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो पावर क्या बनेगी, सर ने सिखा रखा है पावर का उल्टा, वन बाय टेन का उल्टा क्या हो जाएगा टेन, क्लियर है। इट मींस ए की पावर टेन उसकी वैल्यू कितनी है टू, तो हमारा आंसर कितना हो गया टू। क्या सभी को क्वेश्चन कुछ कुछ क्लियर है, कुछ कुछ। इस क्वेश्चन को करने के चार स्टेप है, क्या सभी को क्वेश्चन कुछ कुछ क्लियर है, कुछ कुछ। देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूं एक बार, इस क्वेश्चन का पहला स्टेप हमने क्या किया, इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करके निकाला एन की वैल्यू टू, पहला स्टेप। दूसरा इसको सोल्व किया, वहां से हमने निकाला पी माइनस एन की वैल्यू फोर, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमने इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करने के बाद एन की वैल्यू पुट की, एन माइनस पी की वैल्यू पुट की, हमें क्या मिला ए की पावर टेन। थर्ड स्टेप, दिस इज द फोर्थ स्टेप। क्या किसी को किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत, वी आर हैविंग फोर स्टेप्स, बोलो किसी बच्चे को किसी भी स्टेप में दिक्कत। चलो वेरी गुड, एक बार रिपीट कर देता हूं, थर्ड और फोर्थ स्टेप, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप, दोबारा रिपीट करना, देखो बेटा पावर बेटा नीचे थी माइनस वन, ऊपर जाके कितनी हो गई प्लस वन, पावर वन लिखो या ना लिखो एक ही बात है, क्यों टू की पावर वन क्या होता है टू, थ्री की पावर वन क्या होता है थ्री, पावर वन लिखो या ना लिखो एक ही बात है, नीचे थी माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन, वो मैंने हटा दी, ठीक है। नेक्स्ट है बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर प्लस, दो एम प्लस एम कितना हो गया तीन एम, नेक्स्ट यहां पे तो है प्लस का एन, यहां पे है माइनस का टू एन, सोल्व करोगे तो माइनस का एन वो हमने पुट कर दिया, प्लस का तो पी कहां गया, माइनस का तो पी प्लस का टू पी, माइनस का पी प्लस का टू पी कितना बचेगा
पी वो हमने पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है एन की वैल्यू कितनी है, दो पुट कर दो, थ्री टू जा सिक्स, क्लियर है। नेक्स्ट हमें गिवन है पी माइनस एन, ध्यान दो प्लस का तो पी माइनस का एन, कितना गिवन है चार, पुट कर दिया प्लस फोर, क्लियर है। छह और चार दस, थर्ड स्टेप क्लियर, फोर्थ स्टेप तो आपको आता है। हाँ जी, ये आपकी बुक का अच्छा क्वेश्चन था, हमने इसको अच्छे से समझ लिया, एक बार प्रैक्टिस कर लेना दोबारा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बोर्ड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की पावर 5x 81 की पावर 2 6561 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x हमें गिवन है इक्वल्स टू 3 की पावर 7 हमें बताना है x की वैल्यू। सारे बच्चे एक काम करो, इसकी फटाफट पीएफ करो और मुझे बताओ तीन कितनी बार आ रहा है। डू द पीएफ 6561, टेक 1 मिनट एंड डू द पीएफ 6561, इसकी पीएफ के अंदर तीन कितनी बार आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, पीएफ करो ध्यान से बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, कोशिश करो, बहुत आसान है। हाँ बेटा वेरी गुड, ट्राई करो, इट इज वेरी इजी। क्या सभी का 3 की पावर 8 आया, क्या सभी बच्चों का 3 की पावर 8 आया, 3 की पावर 8, जिसका 3 की पावर 8 आया इट मींस उसका पीएफ ठीक है। सभी अपनी पीएफ मैच करो, पहली बार आपने 3 से किया कितना आया, जब आपने 3 से पीएफ की तो कितना आया फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम 6561, वेरी गुड, यू गेट 2187 राइट। नेक्स्ट टाइम पीएफ की 729, वेरी गुड, उसके बाद वेरी गुड वेरी गुड, 729 के बाद 243 के बाद 81, 81 के बाद 27, 27 के बाद 9, 9 के बाद 3, 3 के बाद 1, आप काउंट कर सकते हो, आपको मिलेगा 3 की पावर 8, ठीक है। जो बच्चा पीएफ कर रहा है उसको बताएं कैसे करना है, इट इज वेरी इजी, ठीक है। अब ध्यान दो कैसे करेंगे, पहला स्टेप 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3x, 3 की पावर 3x, पहला स्टेप ध्यान दो। हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 कंप्लीट की पावर 2 क्वेश्चन में गिवन है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 8 इक्वल्स टू 3 की पावर 7। क्या सभी बच्चों को इस चीज से ये चीज क्लियर है, हमने सब कुछ कन्वर्ट कर दिया 3 की पावर में, बस क्वेश्चन खत्म, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई पावर प्लस कर दो, बिल्कुल इजी है। ध्यान दो 3 की पावर 3x 4 2 8, 8 + 8 16 इक्वल्स टू 3 की पावर 7, बेस सेम बीच में इक्वल, इट मींस पावर शुड बी इक्वल, 3x इक्वल्स टू 7 - 16, 3x इक्वल्स टू -9, x की वैल्यू -3, क्या सभी को क्लियर। मैंने एक एक क्वेश्चन बोर्ड में डिस्कस किया है, किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, पहले बता रहा हूं। हां जी बेटा वेरी गुड, नाउ फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, एक चीज याद रखनी है, आपका जो भी पावर होती है रूट है क्यूब रूट है कुछ भी है, वो सिर्फ 2 केस में टूटता है, एक तो टूटता है बेटा मल्टीप्लाई में और एक टूटता है डिवाइड में, उसके अलावा
वो कभी भी ब्रेक नहीं होता। ठीक है, आपको क्या करना है, याद करना है, आपका आंसर आएगा डिफॉल्ट होम। ठीक है, ये क्वेश्चन तो है याद करने वाला, क्या सभी को क्लियर है? ये क्वेश्चन है याद करने वाला, ये आपको याद करना है। ठीक है, बेटा मैंने आपको एक चीज समझाई कि हम जब भी पावर को तोड़ेंगे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सिर्फ दो केस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक तो होगी मल्टीप्लाई में, एक होगी डिवाइड में। क्लियर है? अगर हमको ऐसे गिवन है रूट ओवर एक्स प्लस वाई, तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता रूट एक्स प्लस रूट वाई, इट इज नॉट वैलिड। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ना फोकस, नेक्स्ट क्वेश्चन 38। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। 10 की पावर x इक्वल्स टू, हमें गिवन है 64, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। 10 की पावर x बाई टू प्लस 1, मुझे बताना क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, बताना एक बार, कैन आई राइट? ये मुझे निकालना है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, बताएं मुझे चैट बॉक्स में, वाई फॉर यस एन फॉर नो, कैन आई राइट? क्योंकि पावर में प्लस है तो क्या हो, बेस क्या हो, सेम, बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई। इसके बाद क्वेश्चन खत्म, ध्यान दो। मैं 64 को क्या लिख सकता हूं, 8 का स्क्वायर, इस पावर को यहां ट्रांसफर कर दो, पावर का क्या हो जाएगा, उल्टा। क्लियर है, आई बात समझ में? इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8, 8 टेंजा 80। इस क्वेश्चन में छोटी सी ट्रिक है, आपको ट्रिक याद रखनी है। पहली ट्रिक, प्लस को तोड़ना है मल्टीप्लाई में, ये आपको याद रखना है। सेकंड स्टेप, मुझे चाहिए x by 2, वो कैसे मिलेगा, 64 को लिख दिया 8 की पावर 2, 2 को कर दिया ट्रांसफर। बताएं सभी, क्या क्वेश्चन नंबर 38 क्लियर? हां जी बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, देख बेटा दोबारा करता हूं, कोई बात नहीं, देख बोर्ड पे बेटा मैं ये चीज तो पता है, पावर में प्लस है कब आता है, बेस क्या हो, सेम, बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई। क्लियर बेटा? अब मुझे क्या करना है, मेरे क्वेश्चन से वैल्यू निकालनी है, 10 की पावर x by 2 की वैल्यू क्या आएगी। देख बेटा यहां पे लिखा हुआ था 64, मैंने क्या करा, 64 को लिख दिया क्या, 8 का स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इस 2 को कर दिया ट्रांसफर, यहां पे था 2, यहां पे आके क्या बन जाएगा, 1/2। क्लियर है, x बन जाए x, y में 2 लिख दिया, तो हमें पता चल गया इसकी वैल्यू कितनी है, 8, 10 8 जा 80। हां जी बेटा बोलो, क्लियर है कुछ कुछ? हां जी बेटा क्लियर? ठीक है, जो बाकी के दो क्वेश्चन बच गए 39 और 40 खुद कर लेना। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है दोबारा बता दो, क्वेश्चन नंबर 38 मैं दोबारा बता रहा हूं, जिसको क्लियर है वो मीटिंग छोड़ सकता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय, मिलते हैं कल। जिसको डाउट है बेटा बोर्ड पे देखो, हमारे पास 2 मिनट है, मैं कवर करता हूं दोबारा। देख बेटा दोबारा समझाता हूं, हमें गिवन है 10 की पावर x इक्वल्स टू 64, हमसे वैल्यू पूछी 10 की पावर x by 2 प्लस 1, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो बेटा मैंने इसको सोचा, ये पावर में प्लस कैसे आया होगा, जब बेस क्या रहा होगा, सेम, बीच में क्या रहा होगा, मल्टीप्लाई। क्या ये चीज क्लियर है? पहला स्टेप अंकिता बेटा, ये स्टेप क्लियर है, पावर में प्लस कब आएगा, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई। बोल बेटा,
ओके बेटा अब देख बोर्ड पे बेटा देख बोर्ड पे मुझे चाहिए कहीं से 10 की पावर x by 2 की वैल्यू चाहिए मुझे तो मैंने क्या किया मैंने ध्यान दिया यहां पे गिवन है 64 मैं इसको बना सकता हूं 8 का स्क्वायर और मुझे पता है जब मैं करता हूं पावर का ट्रांसफर तो क्या हो जाता है पावर का उल्टा और उल्टा मतलब 1/2 यहां पे क्या बचेगा ओनली 8 क्लियर है अब ध्यान दो x बन जा x by 2 तो मैं लिख सकता हूं क्या 10 की पावर x by 2 तो मुझे मिल गई इसकी वैल्यू कितनी है 8 तो 10 8 जा 80 बोल बेटा क्लियर है हां जी बेटा क्लियर कुछ कुछ ठीक है एक बार रिवाइज कर लेना वीडियो आ जाएगी मिलते हैं कल मॉर्निंग में सभी अपना होमवर्क सेंड कर दो अपनी रफ कॉपी की फोटो सेंड कर दो नंबर आपको पता है नंबर कौन सा है 9215305299 ठीक है मिलते हैं कल मॉर्निंग में टिल देन टेक केयर बाय